हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए वीडियो के साथ लेकर आई हूँ आप लोग के पास, जो है ऑरेंज से रिलेटेड। यानी कि आज मैं ऑरेंज से टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, 4 टिप्स। यानी कि मैं आज बताने वाली हूँ कि ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स जो लेते हैं, वो उसको उसका उस छिलके को हम लोग बीख देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, तो नहीं, वो नहीं करना है। उसको हम एक फेशियल ट्रिक लेकर आए हैं जो कि हम बताएंगे। ऑरेंज के छिलके में विटामिन सी होता है, तो इससे पता चल रहा होगा कि वो स्किन के लिए कितना बेटर होगा। तो मैं उसको आज पैक और सीरम और क्लीनर बनाने वाली हूँ। और तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों की ऑरेंज का यूज़ कैसे कैसे करें। और तो ऑरेंज के छिलके से जितने भी टैनिंग स्पॉट्स, जितने भी झूड़ी या थकावट सारे जो होते हैं वो हट जाते हैं लगाने के बाद, तो हम ऑरेंज का सेवन ज़रूर करेंगे, उसका छिलके का यूज़ करेंगे। तो आज हम 5 टिप्स लेकर आए हैं, 4 से 5 टिप्स लेकर आए हैं जो आप लोग के साथ आज शेयर करने वाले। तो आप आज आप लोग देखते जाइए नए नए टिप्स की मैं आज क्या बताने वाली हूँ, कि किस तरह से फेस पैक तैयार करेंगे ऑरेंज के छिलके को, और स्क्रब तैयार करेंगे, सीरम तैयार करेंगे। तो इस तरह से आज हम नए टिप्स आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये रहा, मैं ऑरेंज के छिलके को ले ली हूँ, रख ली हूँ। ये देखिए, बहुत लोग ऑरेंज के खाते हैं और बिक देते हैं, और समर में तो ऑरेंज काफ़ी, इसका ऑरेंज खाने से भी बेनिफिट है, पूरे बॉडी को अच्छा एक ग्लो देता है। और इसका छिलका से जो हम आज सीरम और टॉनर बनाने वाले हैं, वो स्किन को काफ़ी ग्लो देता है, टैनिंग हटाता है, जितने भी डार्कनेस आइज के पास आ जाते हैं वो सारे हट जाते हैं, और एक स्किन को सुंदर सा ही एक नेचुरल ग्लो जो होता है ना, होममेड ग्लो एक जो बनेगा वो फेशियल इस ऑरेंज के छिलके से बनेगा। तो मैं इस बाउल, ऑरेंज जो मैं खाई हूँ उस छिलके को मैं बाउल में रख ली हूँ इस तरह से। देखिए, ये दूसरा कुछ नहीं है, ऑरेंज का छिलका ही रखी हूँ मैं। इस तरह से मैं छिलके और पूरे ऑरेंज के छिलके को एक साथ बाउल में रख ली हूँ, और मैं आज इसके आप लोग को टॉनर और स्क्रब और सीरम के रूप में बताने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें ऑरेंज के छिलके को, और समर में तो ज़रूर करें, ठंड में आप थोड़ा बहुत इधर इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन समर में आप इसको इतना बेनिफिट है, इतने बहुत ही ज़्यादा है, थकावट सारे चीज़ को हटा देता है, बहुत ही बेनिफिट है, और नेचुरल ग्लो जो बोलते हैं ना वो है। तो चलिए हम इसको अब टॉनर के रूप में यूज़ करने का तरीका बताते हैं। इसको हम पानी को उबालेंगे और उसमें ये डालेंगे, और किस तरह से बनता है इसको हम दिखाते हैं, और आप लोग 4 से 5 टिप्स देखते जाइए और बनाते जाइए। इस तरह से हम पानी को गर्म करके थोड़ा सा उबाल लेंगे संतरे को, छिलके को। पानी गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ, अब इस संतरे के छिलके को मैं टोनर बनाऊंगी। तो पानी को उबाल रही हूँ, उसके बाद मैं ये छिलके को डालूंगी उसमें। आप देखते जाइए, स्टेप 1 ये है टोनर का। और ये देखिए, पानी गुनगुना हो चुका है, उबल चुका है, अब हम इसमें छिलका डाल देंगे। ये पानी देखिए उबलना छूट रहा है, हो चुका है, उबल चुका है, गुनगुना, अब मैं इसमें डाल देंगे संतरे के छिलके को। इस तरह से हम उसको स्पून से थोड़ा मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, ताकि इसका पानी जो है संतरे के छिलका का इसमें मिक्स हो जाए और छूट जाए। इस तरह से इसको थोड़ा देर के लिए उबाल लेंगे। इसको संतरे के छिलके को गर्म पानी में एकदम अच्छे से उबाल लिए हैं। ये देखिए, येलो इसका पानी छूट चुका है, इसका जो रस है, इसका जो जूस है, इसमें से जो भी विटामिन सी निकल रहा है वो सारे पानी में, वाटर में मिल्ट हो चुके हैं। और हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से टोनर को तैयार करेंगे। पहले पानी को उबाल करेंगे, उसके बाद संतरे के छिलकों को इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, येलो हो चुका है पानी मेरा पूरा, और जितने भी इसमें से छिलके में जो भी थे
बहुत सारे चीज निकल चुके हैं और आप लोगों को पता ही है संतरे में विटामिन सी का होता है काफ़ी, हेल्दी टोनर बनेगा ये और नेचुरल, कोई मिलावटी नहीं, कोई क्रीम नहीं इसमें रहेगा। और घर में इस तरह से टोनर बनाएं, ये ओरिजिनल टोनर होगा और इसमें आप जो भी सेंटेड ऑयल डाल सकते हैं आपके पास, जो भी सेंट वाले तेल हो, ताकि इसका अच्छा सुगंध आए टोनर बनाने में। तो मेरे पास बादाम का तेल है तो मैं वही दो बूंद डालूंगी टोनर के यूज़ के लिए और मैं तब तक तेल लेकर आती हूँ जब तक ये थोड़ा ठंड हो रहा है। इस तरह से हम इसको जो छिलके को बॉईल किए थे, ये देखिए पीला येलो येलो पानी छूट चुका है, इसमें से हम पानी को उबाले हैं और इस तरह से हम बनाए हैं इसको। और ये देखिए इस तरह से हम बॉल में छान लेंगे या जो भी आपके पास, अगर डब्बा कोई भी शीशी का हो तो आप उसमें छान लो, हमेशा के लिए टोनर बना के रख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम टोनर को ले लिए हैं बॉल में, आप इसको डब्बा में भी रख सकते हैं। और फिर हम इसमें दो सेंटेड कोई भी आपके पास तेल हो वो दो बूंद डाल दो कि ताकि ये टोनर जैसे कि स्किन पे भी लगाते हैं तो वो मतलब ऑयली टाइप का लगे। तो वो दो बूंद आपके पास कोई भी जो भी सेंटेड तेल हो ना वो आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें बादाम का तेल दो बूंद डाल देंगे सेंटेड, ताकि ये अच्छा दिख मतलब टोनर सॉफ्ट और स्किन पे लगाए तो कोई वो ना हो और सॉफ्ट भी हो। तो इस तरह से हम ऑरेंज से टोनर तैयार करेंगे और इस तरह से मेरा ये टोनर बन के तैयार। हम इसको स्प्रे वाले कोई भी डब्बे हो आपके पास तो उसमें आप रख के उसको छिड़काव के तरीके ऐसे आप उसमें, या कोई भी क्लीनिंग वाले डब्बे आते हैं उसमें भी आप रख सकते हो इसको। तो मेरे पास तो अभी नहीं है बट हम इसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं। इस तरह से जिस तरह से सीरम लगाते हैं तो ये देखिए येलो येलो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से हल्के हल्का लगा लेंगे रोज़ स्किन पे अपने, मॉर्निंग में रूटीन में उठने के बाद आप यही टोनर को यूज़ करें, जो आप घर वाली ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये। और इस तरह से हम टोनर को यूज़ करेंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको लगाने के बाद, देखिए पूरे क्लीन लग रहे हैं टोनर लगाने के बाद। और इस तरह से हम टोनर तैयार कर लिए, इसको हम एक डब्बे एक कांच वाली या कोई भी स्प्रे वाली शीशी में रख देंगे और हम रोज़ इसको यूज़ करेंगे। आप लोग घर पे ही टोनर इस तरह से बनाए, होममेड टोनर होगा ये, ऑरेंज फ्लेवर से टोनर बना हुआ, और कोई भी सेंटेड ऑयल दो बूंद डाल दें, इस तरह से टोनर तैयार हो जाएगा। हम ये अब हम जाएंगे सीरम बनाएंगे जो आप लोगों को बता रहे हैं। हम रात भर संतरे के छिलके को भिगो कर डाल दिए थे। आप लोग जब भी सीरम बनाए तो रात में ही संतरे के छिलके को या 6-7 घंटा पहले ही फूलने के लिए डाल दें पानी में, ताकि ये सीरम अच्छे से बने। और अब हम इसको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेंगे ये छिलके को, देखिए पानी इसमें से छूट चुका है। हम रात में ही इसको डाल दिए थे और इसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद सीरम तैयार करेंगे। तो देखते जाइए कैसे कैसे होता है इसका प्रोसेस। तो पहले हम इसको छिलके जब भी आप लोग डालें पानी में, इसको रात में भिगो के डाल दें, उसको ग्राइंड कर लें मिक्सर में। इस तरह से हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, ये रख रहे हैं मिक्सर में, और हम हल्का सा इसको ग्राइंड कर लेंगे, मोटा सा खुरखुरा सा। और इस तरह से हम ग्राइंड कर लिए, देखिए मिक्सर में जब भी आप वो करें तो ग्राइंड करके करें। इस तरह से हम मिक्सर में ग्राइंड कर लिए, अब हम इसको छान लेंगे और सीरम बनाएंगे।
का जो खुरदरा है उसको मोटा मोटा सा उसको निकाल देंगे और ऑयल से पानी को छान लेंगे। इस तरह से हम सीरम अब तैयार करेंगे। स्टेप टू रहेगा, हम जो ऑरेंज को जो मिक्सर में ग्राइंड करके निकाले थे उसका जूस निकाल लिए हम और उसको छान के, ये देखिए, और इसको हम 2 स्पून लेंगे, इसमें 1 से 2 स्पून लेंगे। और फिर से एक कैस्टर ऑयल लेंगे, आप देख सकते हैं कैस्टर ऑयल लिखा हुआ है, ये प्लीज कैस्टर ऑयल का कैमरे में सामने करो, ये देखिए नीचे कैस्टर ऑयल नीचे नीचे, ये देखिए कैस्टर ऑयल लिखा हुआ है। हम सीरम बनाने के लिए ऑरेंज को मिक्सर में ग्राइंड कर लिए, उसका जूस निकाल लिए, 2 स्पून ले लिए और उसके बाद कैस्टर ऑयल 2 बूंद ले रहे हैं। तो इसमें हम जूस में 2 बूंद कैस्टर ऑयल डाल दिए और एलोवेरा जेल आप लोगों को पता ही है पतंजलि का नेचुरल एलोवेरा जेल, ये देखिए एलोवेरा जेल हम जो हम चेहरे पे यूज़ करते हैं इसको हम सीरम में यूज़ करेंगे, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है एलोवेरा, तो हम इससे बनाएंगे सीरम घर पर नेचुरल सीरम। और इसको 2 से 3 बूंद ले लेंगे सीरम को, जेल को और एकदम नेचुरल सीरम बनाएंगे घर पे, होममेड सीरम जो ये होगा। और ग्लिसरिंग ऑयल ले लेंगे, ये देखिए ये भी घर पे नेचुरल है, आप 70 से 80 रुपये में मिलेगा, आप ग्लिसरिंग ऑयल और कैस्टर ऑयल मंगा ले और संतरे के ऑरेंज को हल्का छिलके को रात को भी गोने के लिए डाल दे और मिक्सर में ग्राइंड करके सीरम बना ले इस तरह से जूस निकाल के। तो इसको भी 2 बूंद लिए हैं हम ग्लिसरिंग ऑयल को, और कोई भी सेंटेड तेल ले ले, हम मेरे पास ये था सेंटेड बादाम का तेल तो मैं ली, आपके पास जो भी हो वो 2 बूंद तेल डाले ताकि सॉफ्ट हो सीरम। और हम 2 बूंद तेल डाल दिए और इस तरह से होममेड तरीके से हम सीरम तैयार करेंगे एलोवेरा जेल के साथ, ये देखिए। सीरम की तरह और इसको बहुत ही हेल्दी सीरम ये बना है होममेड तरीके से और इसको कोई नुकसान नहीं। और ऑरेंज तो आप इस ऑरेंज फ्लेवर ऑरेंज की चीज़ तो नेचुरल चीज़ होती है, विटामिन सी है, ये स्किन पे लगाने पर काफ़ी सही रहता है और डार्कनेस स्पॉट्स और टैनिंग सारे हटाते हैं। और इस तरह से हम लगाने के लिए यूज़ बताएँगे कि हम किस तरह से सीरम लगाएँगे, ये रहा देखिए पूरे सीरम की तरह है देखिए, और इस तरह से हम हाथ पे लगा के बता रहे हैं कि किस तरह से अपने स्किन पर लगाएंगे, ये देखिए तेल ऑयल ऑयल की तरह, ये इस तरह से हम सीरम को लगा लेंगे, ये रहा ये देखिए कितने लाइट आ रहे हैं स्किन पे लगाने के बाद, ये देखिए चमक हो रही है सीरम को लगाने के बाद, देखिए ये ओरिजिनल सीरम ही है, आप घर बाहर से लाने जाओ इतना महंगा और इतना मिलावटी प्रोडक्ट, ये घर का नेचुरल देखो आप, ना कोई खर्च ना कोई वो, सिर्फ थोड़ा सा बनाने में मेहनत है, कैस्टर ऑयल और ग्लिसरिन मिला दिया, जूस बना के उसको ग्राइंड करके छान लिया और संतरे को, और ये सीरम तैयार होममेड तरीके से। तो हम सेकेंड स्टेप बता चुके हैं संतरे का, अब मैं थर्ड स्टेप बताने वाली हूँ। ये रहा मेरा जूस और ये रहा मेरा सीरम, दो तरीके से मैं बता दी, ये रहा मेरा सीरम और ये रहा मेरा ये
टोनर दोनों तैयार। अब मैं स्क्रब और पैक बताने वाली हूँ। देखिए होममेड तरीके से कितने नेचुरल प्रोडक्ट हैं। आप लोग स्किन पर जरूर लगा के देखिए, 1 से 2 महीना में स्किन काफ़ी ग्लो और काफ़ी फेयर हो जाएगा। इस तरह से हम स्क्रब तैयार करेंगे। कॉफ़ी तो सबके घर में अवेलेबल रहता है, तो 1 स्पून हम कॉफ़ी रख लेंगे। ये देखिए बाउल में 1 स्पून कॉफ़ी रख लेंगे। ये देखिए मैंने 1 स्पून कॉफ़ी लिया है, ये देखिए। और उसके बाद मैं इसमें जो ऑरेंज का जो मैं जूस बनाई थी उसका छिलका मैं रख ली थी, वो 1 स्पून मिला देंगे इसमें और ये स्क्रब बन जाएगा। और वो मिला लेंगे और हल्का जो जूस मैंने निकाली थी संतरे का छिलके का छान कर, वो 1.5 स्पून मिला लेंगे ताकि ज़्यादा गीला ना। और इसको मिला के स्क्रब बना लूँ। मेरा हाथ होममेड तरीके से स्क्रब। तो संतरे का तो फेशियल में, स्क्रब में, सीरम में, टोनर में ज़रूर यूज़ करें। काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई मिलावटी नहीं है इसमें। और इस तरह से यूज़ करें आपका बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा चेहरा, बहुत ही सुंदर सा निखार आएगा। तो आप एक और स्किन का ग्लो तो एक नेचुरल ग्लो होता है, तो वो तो लेकर आएगा ही। ये देखिए इस तरह से हम स्क्रब तैयार कर लिए। अब हम पैक बनाएंगे और इसको हम हाथ पे लगा के आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किस तरह से यूज करना है। ये देखिए ये रहा, इस तरह से स्क्रब करेंगे। रुखा हल्का कॉफी डाले, रुखा रुखा सा ऐसे चेहरे को क्लीन करेगा। और इस तरह से मैं हैंड को क्लीन करके आप बता रही हूँ कि किस तरह से चेहरे पर क्लीनअप स्क्रब करेंगे। और इस तरह से मैं लेके क्लीन कर ली अपने हाथ को। और इस तरह से आप लोग आराम आराम से 5 से 10 मिनट टाइम निकाल के आप लोग घर में स्क्रब कर सकते हैं संतरे के बनाकर, कॉफ़ी मिलाकर। तो इस तरह से स्क्रब कर लेंगे देखिए। और इसको हम धो के दिखाते हैं कितना प्यारा सूखने के बाद, छोड़ने हटाने के बाद कलर जो मेरा हैंड का आता है। इस तरह से हम अब पैक बनाएंगे। ये देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी और इससे हम पैक बनाएंगे, जो जूस निकाल के रखे हुए हैं संतरे का उससे हम पैक बनाएंगे। ये देखिए मुल्तानी मिट्टी। अब हम इसको 1 से 2 स्पून लेंगे निकाल कर अच्छे से और इसको हम पैक बना लेंगे मुल्तानी मिट्टी को। और जो मैं जूस निकाली थी वो देखिए, ये जूस जो था मेरे पास निकला हुआ, उसको हम मिला लेंगे इसमें 1 से 2 स्पून मिला लेंगे। और इस जूस को हम रख देंगे, सॉरी हाँ जूस को, और 4 से 5 दिन इसको यूज़ करेंगे हम सीरम के तौर पर। नहीं इसमें ये ऐसे ही मतलब क्लीन करने के लिए हम ये जूस इसलिए निकाले ताकि सारे चीज़ में मिला सके। और तो इस तरह से हम मुल्तानी मिट्टी मिला लेंगे इसमें देखिए, और जो जूस है ऑरेंज का वो मिला लिए। और इस तरह से हम फेस पैक तैयार कर लिए और इसको हम चेहरे पे लगा लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए और चेहरा काफ़ी ग्लो और शाइनिंग आएगा। पूरे टैनिंग, थकावट, सारे चीज़ जो होते हैं फेस पे वो सारे चीज़ दूर होंगे और काफ़ी एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगा। और जो आप शादी में अगर कहीं पर गए हो तो आप इस तरह से घर पर झटपट से क्लीनअप और स्क्रब और फेस पैक लगा सकते हो और सीरम आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मेरा 4 से 5 प्रोडक्ट बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ये रहा पैक, ये रहा स्क्रब और ये रहा मेरा सीरम और ये रहा मेरा ये क्या बोलते हैं क्लीनजर टोनर। ये चारों चीज़ मेरा बन के तैयार है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी और आप लोग को सारी चीज़ मैं यूज़ करके दिखाई हूँ। ये देखिए इस तरह से फेस पैक लगा लेंगे, जिस तरह से स्किन पे फेस पैक लगाते हैं चेहरे पे, उसी तरह से फेस पैक लगा लेंगे ये देखिए। और इसके धोने के बाद काफ़ी ग्लो और काफ़ी नेचुरल ब्यूटी आएगा। ये देखिए चार चीज़ मैं
इस तरह से तैयार कर ली हूँ आप लोगों के सामने चारों चीज़ें। मैं चारों को एक छोटे छोटे डब्बे में कांच वाले में रख दूंगी और 1 से 2 महीना इसको मैं यूज़ करूँगी फ्रिज में रख के। आप लोग ऐसे ही करें। इस तरह से हम चारों चीज़ कंप्लीट कर लिए, टोनर, सीरम और क्या स्क्रब और पैक। और इस तरह से हम ऑरेंज के छिलके को यूज़ किए और आप लोगों को नए नए 4 टिप्स बताएं, तो आप लोग ज़रूर होममेड तरीके से ऑरेंज के छिलके को आप लोग यूज़ करें और बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ये मेरा टिप्स बताने का ऑरेंज फेशियल की तरह। तो मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगी और आप लोग को नए नए वीडियो बताते रहूँगी। और इस तरह से टिप्स आप लोग ज़रूर घर पे यूज़ करें, तो काफ़ी चेहरा ग्लो और टैनिंग जितने भी जो पिंपल्स वगैरह रहते हैं, स्पॉट्स रहते हैं, थकावट जो रहती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आती है, वो सारे हट जाएंगे और स्किन जो होता है टाइट होते हैं, क्योंकि ये होम ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। सीरम है, टोनर है, इसको आप रेगुलर अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। टोनर स्प्रे में रख के और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो के लेते हुए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिए, तो मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।